सो गाइज, आज एक एमोलेड डिस्प्ले वर्सेस एक TFT LCD डिस्प्ले के बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि कलरफिट प्रो 3 अल्फा में फीचर्स बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ में रह गई है, वो है डिस्प्ले। ऑन द अदर हैंड कलरफिट अल्ट्रा 2 फीचर्स बहुत सारे हैं, बट दो तीन चीज़ों में रह गई है, कॉलिंग फैसिलिटी, TWS पेयरिंग का ऑप्शन, इंटरनल मेमोरी, ये सब चीज़ें रह गई हैं इसमें। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है एक। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ खास मिलता है। और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल कर सकते हो। और गाइस, शॉपसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना मत भूलिएगा, आपकी परचेज पे आपको कैशबैक मिलता है। मैंने इवन अभी रियलमी S100 1650 में बाई की थी। कैसे की थी उसकी डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूँ। तो गाइस, इस कंपैरिजन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले बात करेंगे डिस्प्ले की, क्योंकि डिस्प्ले मैटर करती है। आप वॉच खरीदते हो, तीन चीज़ें देखनी चाहिए आपको। सबसे पहले ब्राइटनेस लेवल कैसे है, शार्पनेस कैसी है, और तीसरा कलर एक्यूरेसी कैसी है। दैट्स इट, डिस्प्ले आपको अमेजिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करेंगे यहाँ पे पिक्सल साइज, कितना पिक्सल साइज मिलता है। अल्ट्रा 2 का बेटर है पिक्सल साइज डेफिनेटली। यहाँ पे डिस्प्ले साइज़ भी बड़ा है और स्लिम भी है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले यूज़ करेगी, जिसकी वजह से एमोलेड डिस्प्ले जब हम यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली बात है जो डिस्प्ले की थिकनेस होती है वो बहुत ही कम हो जाती है, तो वो थिन हो जाती है बहुत ज़्यादा। बट जो LCD होती है उसमें आपको थोड़ी सी थिक मिलेगी। मैक्सिमम वॉचेस में जिसमें LCD यूज़ करी जाती है, उसमें LCD TFT डिस्प्ले यूज़ होती है, तो उसमें थोड़ा सा मोटा डायल होता है। तो यहाँ पे अल्फा में थोड़ा सा मोटा डायल मिलेगा, बट अल्ट्रा में बहुत ज़्यादा स्लिम है। और कलर एक्यूरेसी, डीप ब्लैक्स, पंची कलर्स, जो एमोलेड की खासियत है, वो सारी की सारी आपको अल्ट्रा में देखने को मिल जाती है, अल्ट्रा 2 में। और अल्फा में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा डिस्प्ले के मामले में, खासकर आपको, क्योंकि यहाँ पे टिपिकल जो हर एक वॉच में मिलती है 1.69 इंचेस की TFT LCD पैनल, जो कि कलरफिट आइकन बज में ही मिलती थी आपको, इवन बोट की वॉच एक्सटेंड में ही मिलता है, सेम आपको डिजो वॉच 2 में ही मिलता है, डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में मिलता है, वो वाली डिस्प्ले दे दी गई एज इट इज़ अल्फा में आपकी। और आगे बात आती है रेस टू वेक, दोनों में मिल जाता है। अल्ट्रा 2 में ऑलवेज ऑन का डिस्प्ले मिल जाता है, ऑप्शन मिल जाता है, और 3 से 4 वॉच फेसेस मिल जाते हैं वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाले, तो वो अलग से आपको मिल जाते हैं। तो अल्ट्रा 2 यहाँ भी आगे निकल जाती है। 2.5D कर्व ग्लास यूज़ किया गया, प्रोटेक्शन कौन सा एक्जैक्टली कंपनी नहीं बताया, बट कोई ना कोई स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास यूज़ करती ही है कंपनी। शार्पनेस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, बट जब आप अपनी पिक को ऐसे वॉच फेस लगाते हो आपको हल्का सा देखने को लग सकता है अल्फा में पिक्सलेट हो रही है, बट अल्ट्रा 2 में आपको पिक्सलेट नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू कर चुका हूँ, एक्यूरेसी टेस्ट भी कर चुका हूँ, आप देख सकते हो चैनल पे पड़ा हुआ है। अच्छी थी, बेस्ट वॉच थी ये, और स्लिम भी थी बहुत ज़्यादा। मैंने 4400 के प्राइस ब्रैकेट में इसको बाय किया था, आएगा 4400-4500 में जब ये आई थी, अब इसका प्राइस बढ़ चुका है, 5000 हो चुका है। आगे बात आती है यहाँ पे 500 निट्स की ब्राइटनेस अल्फा में मिल जाएगी आपको, अल्ट्रा 2 में 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस लेवल से भी अल्ट्रा 2 आगे। मैं कहना नहीं चाहता, स्ट्रेट अवे यहाँ पे स्ट्रेट अवे विनर है हमारी कलरफिट अल्ट्रा 2, अल्फा बहुत पीछे रह जाती है। अब यहाँ पे वॉच फेस की बात करते हैं, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप दोनों ही लगा सकते हो, और गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो, और उसी के साथ साथ यहाँ पे अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो दोनों ही वॉचेस में। लाइव वॉलपेपर का सपोर्ट भी दोनों में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे फिटनेस मोड्स की, अल्फा में 100 तक स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, जो कि अल्ट्रा 2 को भी पीछे छोड़ देती है। अल्ट्रा 2 में 60+ स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, और उसी के साथ साथ आगे बात आती है यहाँ पे 5 ETM की वाटरप्रूफ रेटिंग मिलती है आपको अल्फा में। अल्ट्रा 2 में 1.5 meter per 30 minutes तक IP68 की रेटिंग मिलती है, तो यहाँ पे अल्फा आ गया। आई डोंट नो अल्फा ने कैसे, मतलब नॉइस ने कैसे अचीव कर लिया कि 5 ETM की वाटरप्रूफ रेटिंग, माइक और स्पीकर का सपोर्ट दोनों में ही वेंट है, उसके बावजूद भी कैसे मतलब अल्फा में पॉसिबल है 5 ATM, मैं थोड़ा सा हैरान हूँ। यहाँ पे एक्यूरेसी की बात मैं करूँ तो दोनों में सिमिलर मिलने वाली है, और ये अच्छी बात है कि कॉलिंग वॉच में भी आपको एक्यूरेसी इतनी अच्छी देखने को मिलने वाली है, 80% तक आपको डेफिनेटली मिल जाएगी। डेडिकेटेड सेंसर यूज़ करेंगे अल्फा में, अल्ट्रा 2 में तो एक्यूरेसी अच्छी है ही स्टार्टिंग से ही। और इसी के साथ साथ एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ड सेंसर, जायरोस्कोप सेंसर का ऑप्शन मिल जाता है, बट यहाँ पे अल्फा फिर आगे निकल जाती है टेम्परेचर मीटर का ऑप्शन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अल्फा में फीचर्स बहुत सारे हैं, बस आपकी डिस्प्ले के मामले में थोड़ी सी पीछे रह जाती है अल्फा, नहीं तो तोड़ वॉच थी। आगे बात आती है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, अल्ट्रा 2 में क्विक रिप्लाई मिलता है, अल्फा में भी क्विक रिप्लाई मिलता है, जो कि कॉलिंग वॉचेस में पहली ऐसी वॉच मैंने देखी जिसमें क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ऐड किया जाएगा। वाइब्रेशन अलर्ट्स, और प्रॉपरली नंबर को डायल कर सकते हो अल्फा में, तो प्रॉपरली नंबर को सेव कर सकते हो, कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, डायल कर सकते हो, अल्ट्रा 2 में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। वाइब्रेशन इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, उसी के साथ साथ कॉल आईडी कॉल कट म्यूट कर पाओगे दोनों ही वॉचेस में। फुल टच पैनल है, स्मूथ है, शटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा, अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, कॉर्नर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ब्लूटूथ वर्जन की बात करें तो 5.0 देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ फाइंड माय फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है। अल्ट्रा 2 में आपको कैलकुलेटर का ऑप्शन भी मिल जाता है। अल्फा में आपको, अब मैं फीचर्स बताता हूँ, TWS पेयरिंग का ऑप्शन, Alexa बिल्डिंग का ऑप्शन मिलता है, इनबिल्ट सॉन्ग स्टोर कर सकते हो, तो ये बहुत सारी चीज़ें बेटर मिल जाती हैं, 80+ सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, तो अल्फा बहुत आगे निकल जाती है हमारी अल्ट्रा 2 से। एंड्रॉइड या iOS से आप पेयर कर पाओगे, आई गेस नॉइस फिट एप्लीकेशन से पेयर हो जाएंगी दोनों ही वॉचेस, तो देख लीजिएगा। जैसे ही आपके पास वॉच आएगी तो QR कोड आपको मिलेगा, उसको स्कैन कर सकते हो, या डायरेक्टली आप वॉच का नाम डाल दो प्ले स्टोर पे, उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आ जाएगी। अब बात आती है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की, यहाँ पे हार्डवेयर वाइज अल्फा आगे अल्ट्रा 2 से, क्योंकि इंटरनल मेमोरी मिलती है, ऑब्वियसली बात है। कस्टम यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेस में,
और सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है दोनों ही वॉचेस में, अपना अपना खुद का यूआई है, और गेस्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स का एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी बैकअप की। तो बैटरी जो कैपेसिटी है 240 mAh है अल्फ़ा की, अल्ट्रा 2 में आपको 190 mAh बैटरी मिल जाती है, जो कि ठीक है क्योंकि AMOLED डिस्प्ले है तो बैटरी बचती है। 30 डेज का स्टैंड वायर है दोनों मिलता है, 2 घंटे दोनों ही वॉचेस फुल चार्जर में ले लेती हैं। 7 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया अल्फा में, और अल्ट्रा 2 में आपको 10 डेज का रन टाइम क्लेम किया गया। उसके साथ साथ चार्जिंग टाइम मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। एक्चुअल यूज़ की बात में करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दोगे, तो 5 दिन का इजली बैटरी बैकअप दोनों में देखने को मिल जाएगा। और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन कर रखे हैं, अल्फा में कॉलिंग वॉलिंग भी कर रहे हो तो 1 से 1.5 दिन चल जाएगी आपकी। अल्ट्रा 2 3 से 4 दिन आपकी आराम से चल सकती है, आप आराम से अगर फिटनेस मोड्स पूरा हैवी यूज़ कर रहे हो तो। मेन फीचर्स की बात करते हैं, HR मॉनिटर मिलता है, SP2 लेवल मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है दोनों में। टेम्परेचर मॉनिटर आपको अल्फा में एक्स्ट्रा मिलता है, स्ट्रेस मॉनिटर आपको अल्ट्रा 2 मिल जाता है, स्लीप ट्रैकिंग भी कर सकते हो, कैलोरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे। एक्यूरेसी स्लाइटली ज़्यादा है अल्ट्रा 2 की, और ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी देखने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन है, सेडेंटरी डिमांड भी देखने को मिल जाता है। तो मेन फीचर्स में हमारी अल्फा आगे निकल जाती है थोड़ी सी अल्ट्रा से, अल्ट्रा 2 से खासकर। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं यहाँ पे, दोनों की बेटर है बट अल्ट्रा 2 में एल्युमिनियम केसिंग है जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रीमियम लगती है। इन हैंड फील मेरे को डेफिनेटली बेटर लगा था अल्ट्रा 2 का, 47 ग्राम्स की है और अल्फा ही 47 ग्राम्स की है। 22 mm स्टेप साइज है तो आफ्टर मार्केट का भी आप चूज ऑन कर पाओगे। उसी के साथ साथ सिलिकॉन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है, तो स्किन फ्रेंडली मेटल का यूज़ किया गया दोनों ही वॉचेज़ में। अब हम यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करें प्रॉपर, तो अल्फा में आपको डायल और बेस दोनों ही पॉलीकार्बोनेट है। आई डोंट नो यहाँ पे बज आइकन में इन्होंने एल्युमिनियम केसिंग यूज़ की, यहाँ पे आप पॉलीकार्बोनेट दे रहे हैं। अल्ट्रा 2 में तो एल्युमिनियम मिलती है तो ये बेटर है, यहाँ पे अल्ट्रा 2 जीत जाती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पे प्राइसिंग की बात आती है, अल्फा आपकी जो लॉन्च होगी फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, ये आपका रहेगा 5500 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में। कॉलिंग वॉच है ऑब्वियसली बात है, अल्ट्रा 2 आपकी वैसे 5000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में मिल रही है। अब गैस यहाँ पे आप अल्फा आपको और कम में लेनी है, 5200 रुपये में या 5100 रुपये में लेनी है, तो आप देख सकते हो शॉप से एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप इसको बाय करते हो तो 250 से 300 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा आपको। यस, आपने सही सुना, फ्लिपकार्ट पे भी लॉन्च होगी सेम प्राइस में 5500 में, और अगर आप शॉपसी से ऑर्डर करते हो और साथ में मेरी लिंक से इंस्टॉल करते हो शॉपसी, तो 50 रुपीज़ का और बोनस ऐड हो जाएगा, तो करीब करीब 300 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, तो आपको 5200 रुपये की पड़ेगी। आपको देने तो 5500 ही है पूरे, बट 7 डेज का जब रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप 300 रुपये अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो प्रॉपरली। तो मैं एक वीडियो डेडिकेटेड लेके आने वाला हूँ कैसे, जैसे उसमें इकट्ठे होते पैसे कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो। मिनिमम 100 रुपीज़ उसमें इकट्ठे होने चाहिए आपके शॉपसी अकाउंट में, और उसको आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने अकाउंट में। तो यहाँ पे अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं ओवरऑल। तो अल्फा आपकी कॉलिंग फैसिलिटी के साथ आती है और अल्ट्रा 2 आपकी फिटनेस मोड के साथ आती है, मतलब फिटनेस वॉच है एक। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको फिटनेस वॉच लेनी है बेटर डिस्प्ले वाली, तो अल्ट्रा 2 को आप उठा सकते हो आराम से। बट अगर आपको कॉलिंग वॉच चाहिए, फिटनेस मोड्स भी आपको साथ में चाहिए, आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो डिस्प्ले के साथ, तो आपको अल्फा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अल्फा एक ऐसे प्राइस ब्रैकेट को टच कर रही है। 5000 होता तो मेरे को और भी बेटर लगता, बट कोई नहीं, 500 रुपये थोड़ा सा ये मेरे को महंगी लग रही है। 5500 रुपये में आपको नॉइस बहुत सारी चीज़ें भी दे रहा है, यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन है, आपको TW स्पेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इनबिल्ट सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, एलेक्सा बिल्ट इन मिल जाता है जो कि बहुत ही बेटर फीचर है, इस प्राइस ब्रैकेट में नहीं दे रहा कोई भी। तो यहाँ पे अल्फा ऑल इन ऑल विनर बन जाती है मेरे ख्याल से। बट स्लिम चाहिए वॉच आपको, डायल बड़ा चाहिए, लुक प्रीमियम चाहिए, तो अल्ट्रा 2 इज़ द बेटर ऑप्शन। तो गाइस यहाँ पे कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, कॉलिंग वॉच चाहिए तो अल्फा आपके लिए बनी हुई है, फीचर्स से रिच है, बट अगर आपको बेस्ट डिस्प्ले वाली वॉच चाहिए, फिटनेस मोड अगर आप ज़्यादा प्रेफर करते हो और AMOLED डिस्प्ले चाहिए, तो अल्ट्रा 2 आपके लिए बनी हुई है। तो गाइस ये था मेरे डीप डाउन कंपैरिजन कलरफिट अल्ट्रा 2 वर्सेस कलरफिट प्रो 3 अल्फा के लिए। अगर आपका क्वेरी इन दोनों वॉचेस के रिगार्डिंग कुछ रहता है, किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन भी चाहिए, तो आप ज़रूर मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।